गांव की गलियों में। बहू रानी इज्जत का है सवाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरव। सो आज सुबह सुबह तैयार होके हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। दशहरा हॉलीडेज काफी लंबी होती है बट इनके बिजी शेड्यूल की वजह से हमें सिर्फ दो दिन बच रहा है, और तो दो दिन के लिए हम गांव जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था कि हम जाके रुके थे, कई बार बस जाके चले आते थे तुरंत ही, बट इस बार दो दिन के लिए हम रुकने वाले हैं तो चल रहे हैं हम गांव। चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं। अनकिस्ड सब पूरा एकदम डायरेक्ट। क्या बहुत धूप लग रही तुमको? काफी लंबे टाइम जाम में फंसने के बाद अब निकल पाए हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे फाटक बंद हो गया था और सुबह सुबह जाने कहाँ से इतनी सारी ट्रक्स फेस्टिवल के चक्कर में। हाँ, फेस्टिवल के चक्कर में सुबह सुबह इतनी सारी ट्रक्स और गाड़ियां आ गई थी, किसी तरह से अब निकल पाए, अदरवाइज ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हम लोग, है ना? तो अब ड्राइवर हो गया चेंज, पैर दर्द हो गया। ड्राइवर नए ड्राइवर की हाईवे पे चला लोगे कि नहीं? क्या रिस्क भी नहीं है? तो भैया रिलैक्स का समय है, अभी हम रिलैक्स में हैं और मैडम है टेंशन में। नहीं, हम रिलैक्स हैं, हम बैठ के टेंशन में। थोड़ा सा फोन पे बातचीत कर लिया है इसलिए हमको दे दिए कि यहाँ वहाँ अपना काम था इसलिए दिया गया। व्यवस्थाएं सेट करना रहता है हॉस्पिटल के, तो क्या जरूरी नहीं है क्या? बढ़िया है, बहाना दे दिए कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दर्द भी हो रहा था थोड़ा सा, बड़े आराम। उधर एक भाई साहब लेटे हुए हैं पीछे, ऐसे लग रहा है जैसे 800 किलोमीटर से यात्रा करके आ रहे हैं। 90-100 में ये हाल है, किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी का रिलैक्स करना है। 800 किलोमीटर में तो हालत गंभीर हो जाए, इसीलिए हमने एक मैच इसे तुमको सिखा दिया है ना, जिससे कि टेंशन फ्री हम। हाईवे पे कैसा लग रहा है? बढ़िया है, तो बढ़िया ही, आप बताइए। अरे तुम बताओ चालक तुम हो, हम तो अच्छा ही लग रहा है। बैठे वाले बताए उनको सेफ फील हो रहा है कि नहीं? सेफ ही है। नहीं बढ़िया चाल, इसीलिए तो दिया गया है। जंगल में मंगल पूरा ही, तो जिसे ज्यादा एकदम जैसे लग रहा है हम लोग किसी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। अरे फॉर में ऐसा लग रहा है जिसे कहाँ जा रहे हो? ये बाइक वाला ही फाइनली, बस 4-6 मिनट में घर। बड़ी मेहनतों के बाद आ रहे हैं। तुम बड़े टाइम बाद आ रही हो। नहीं आप जब आए थे, नहीं जून में, जून में आए थे पापा को लेने के लिए, वही कुछ घंटे के लिए। अच्छा, गांव की गलियों में। तो अब घर आने वाला है तो थोड़ा सा रूप रेखा चेंज हो गई है। बहू रानी का सवाल। गांव की हरियाली, आलू उलू लग रहा, बोया जा रहा है क्या? कुछ है कुछ यहाँ वहाँ पैदावार हमको भी पता नहीं। पता होगा क्या क्या फायदा हो रहा है इस समय? तुम तो ऐसा हर जगह जैसे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में है हमारा घर लग रहा है। फॉरेस्ट से इस समय एकदम लिटरली वही लग रहा है। मजा आ रहा है? क्या क्या देखे अभी तक? काऊ से मिले? हमको तो नहीं मिल रहा है। वो देखो यहाँ पर हो गई लड़ाई। अरे तुमको क्या लगता है? कुछ खाने जाता है?
अभी इसमें भी है अदरक लहसुन को पूरा नहीं निकला। पंचफोरन कहाँ रखा? धीरे कर दीजिए, तेल बहुत आलू आलू कद्दू पापा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं पापा? अरे हम कद्दू क्या झूला जा रहा है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पकवान बन रहा है। बन गया? लाल फूल की चाय। अरे बाबा बोले नाथ चंदन चिड़ा मेरा कब चिल्पा कबाब ऊपर साथ खोल दे पनीर जितने। अच्छा ऊपर साथ यहाँ से खोल दे पनीर खोल दे ऊपर साथ। एक बात अच्छा है कि चलावा छोड़ दी है यार बार। चलो एक कमी क्या होगी सरकार? ओम स्वाहाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वाहा। सबको दशांग दे दीजिए और ये सब आप दशांग डाल दिया है ग्यारह बार के इस बार में माता जी सब इंतजार। ओम गणेशाय स्वाहा एकदंताय स्वाहा त्रिं गौरे स्वाहा श्री गुरवे नमः स्वाहा भगवन्ते नमः स्वाहा कलसी फलवाय स्वाहा बहुत स्पीड में नहीं नॉर्मल राजा महाबल
रुको रुको देरी ना रुको अरे छोड़ा छोड़ा लोग पूछ के नहीं खाते हाँ छोड़ा हो तो छोड़े की तरह रहो छोड़ा वो छोड़ा हाँ दो बच्चे आएंगे तुम्हारे साथ खेलेंगे प्रगति पे तुम तो लग रही जैसे पंजाब की कुंडी पूरा एकदम बड़ा बेड का पूरा पूरा एकदम गांव जाके गांव वाला हो जाता है सो फाइनली तीन दिन की जो दो दिन की ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट तीन दिन की हो गई सुबह हमें 8 बजे ही निकलना था बट 8 बजे ही निकलना था बट कुछ काम थे जो कि ये हुआ कि वो भी फाइनल कर ही लेते हैं सो सारे काम करते करते अब ऑलमोस्ट 2:30 बज गए निकलते निकलते एंड टुडे इज विजयदशमी ऑल्सो वेरी हैप्पी विजयदशमी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू सो फाइनली इन सब के बीच में निकल रहे और हर जगह क्योंकि आज विसर्जन का दिन है तो हर जगह ट्रैक्टर्स में और गाड़ियों में विसर्जन हो रहा है सारे लोग विसर्जन के लिए लगे हुए हैं तो उसकी थोड़ी सी भीड़ मिलने वाली है आज ये देखिए सारे भीड़ सो ऑल इन ऑल वी कैन से आना सक्सेसफुल रहा एक काम था जिसके लिए आए थे और वो भी काम हो गया तो बहुत पर दिन भर मजे करते थे रात भर मम्मी को जगाते थे तो इस समय मौसम भी बहुत प्यारा हो गया मतलब ऐसा है कि आप मन कर रहे हैं कि रुके रहो अच्छा मौसम है यहाँ पर समय कमी थी नहीं दिन आराम से रुकते आराम की तो अभी कल भी छुट्टी है अच्छा कल तो छुट्टी है क्या